अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखते हैं आज हमारी अम्मी किचन में क्या बना रही हैं। अम्मी क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ बैंगनी, इसको कहते हैं, या बैंगन के दही बड़े भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि बेसन से बनते हैं ना, तो इसी तरह बिल्कुल बेसन को उसी तरह से मिला लेते हैं, इसका बैटर, नमक, मिर्च, सिंपल, और बेकिंग सोडा भी होता है, सही वाला सोडा भी था, वो डाल के बेसन को ऐसे से वो कर ले, इसका वो बना ले बैटर, गोल गोल से ये बैंगन काट के पतले फ्राई कर लें, ये फ्राई कर लें, जैसे हम आलू वाले पकौड़े करते हैं ना, सही उस तरह से ये इनको कोट करके ना बेसन में बैंगनों को तल लेते हैं, तल लें। और यहाँ पर जो है ना हमने इमली की चटनी बना के रखी हुई है, इमली ही, हाँ इधर देखो, हाँ ये मीठी चटनी बनाई हुई है इमली की। अच्छा, और ये चीनी, और इसमें मिर्च, इमली का पल्प निकाल के उसको छान लिया है, और फिर इसमें लाल मिर्च पिसी, थोड़ा सा भुना कुटा पिसा जीरा जो होता है भून के वो, और इसको पका, चीनी डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया, फिर थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा होता है, तो ये मीठी चटनी तैयार हो जाती है, बड़ी मज़े की। सही, इमली की मीठी चटनी से खाया जाएगा ये। ये दही भी बनाया ना, मीठा दही भी बनाया। सही, मीठा दही में डाल के खाए जाएंगे। मीठे बैंगनी है, तो बैंगनी में ना इमली की चटनी पड़ती है। सही है, ये चीनी डाल के बस सिंपल दही हमने घर में जमाया, दही भी, और इसमें हमने चीनी डाल के इसको दही बड़ों की तरह है, मीठे दही बड़ों की तरह है, तरह से यही कह सकते हैं। चलिए, रमज़ान में एक नई डिश जो है वो मैं भी पहली दफ़ा ट्राई करूँगी, और सही, ये देखें ये बाउल आप इस तरह का ले लें इसमें, चलें ये इस तरह से हो जाएगा, इसमें डाल देंगे और फिर इसमें दही डाल देंगे ऊपर से, इमली की मीठी चटनी, बाकी ये भी तलेंगे, दूसरी टर्न डालने जा रही है इसमें दही बड़ों की, वो दही बड़े, सॉरी बैगन की, बैगनी ये है, बैगनी पकौड़े नहीं है, ये बैगनी है, नई डिश है ये रमज़ानों में, और रमज़ान स्पेशल रेसिपी। क्या डालने जा रही है? हम सारी दही डालेंगे इसके ऊपर, मीठा दही जो हमने बनाया था ऐसे डाल देंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो है वो ये इसमें डूब जाए दही में और नरम हो जाए दही से ये फूल जाएंगे। और ये इस तरह से, अरे हाँ है, हाँ ये क्या है, ये इमली की चटनी, इस पे ये भी डाल, टॉपिंग इस तरह से करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्न भी इसके ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से ये वन बाय वन टर्न पे आपने इसकी टॉपिंग इस तरह से करनी है, दही डालना है और इमली की चटनी डालनी है, और ये इसी में सॉफ्ट हो जाएंगे, और ऊपर से इस पे चाट मसाले की जो है ना वो गार्निशिंग होगी। अभी भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हाँ मर्जी, आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए तो आप ऊपर से अभी भी चाट मसाला डाल दें, और इस नहीं तो आप अपने अलग से बाउल्स में भी चाट मसाला ले सकते हैं, अरे वो आपको छिड़क के बता रही हैं हमारी अम्मी ये क्या किया है भैया, तो अच्छी सी ज़रा, और तो ये हमारी अच्छी प्यारी सी बोतल है चाट मसाले की, अच्छा हमने ये हल्का हल्का सा छिड़क दिया, सही है, हल्का हल्का छिड़क दिया, इस तरह से आप छिड़क लें, और जितना या तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा छिड़क लें अपने टेस्ट के हिसाब से। बैंगन को ना थोड़ा सा तल के तेज आंच में भी तलना है, ताकि अंदर से ये स्लो आंच पे इसको तलना है, स्लो आंच पे, हल्की आंच पे, ताकि अंदर से बिल्कुल नरम हो जाए, कच्ची ना रहे, पहले ये दूसरी लेयर तैयार हो गई है, दूसरी लेयर लग रही है, दही और इमली का पानी जो है ना वो अंदर जाए, सूखे सूखे ना लगे, सही
पूरा दही इस पर डल जाएगा अभी सारा, जितना एब्जॉर्ब होना होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी आपके प्याले में थोड़ा रह जाएगा। थोड़ा तो बचना भी चाहिए ना, अच्छा लगता है। और ये दही की क्वांटिटी भी बता दें, दही की क्वांटिटी और चीनी। समझो मैंने तकरीबन आधा किलो दही दिया, ठीक है। ये चीनी तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल, फिर भी एक एवरेज बता दें। मैंने जो ना वो देखा जाए तो मैंने इसमें 5 टेबल स्पून डाला चीनी का, आधा किलो दही में 5 टेबल स्पून चीनी डाली। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा डाल दें, लेकिन एवरेज इतना ही है। आधा किलो दही में 5 टेबल स्पून चीनी, और फिर ये दही तैयार करना है। और ये ऊपर से इमली का पानी आ गया, ये अभी हम किसी उसमें निकाल लेंगे जार में, अभी हमने बनाई थी तो हम इसी में रखेंगे। खैर अम्मी कुछ अभी इसको ठंडा हो जाएगा, ठंडी भी अभी ये ठंडी नहीं हुई है, तो ये हम इसको अच्छी सी बॉटल में करेंगे। चाट मसाला अब जा रहा है डालने दोबारा से, लेयर बाय लेयर। बहुत ज्यादा हाँ, वो बिल्कुल ही मिठास खत्म ही हो जाएगी ना, बस चाहिए होता है। तो अब ये जा रहा है फ्रिज में, अब इसको ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे, और फिर इसको सर्व करेंगे इफ्तार टेबल पे। इसको फ्रिज में रखते हैं। ओके,